हाय गाइस, तो चलो आओ आज साथ में मेकअप करते हैं। आई ऑलरेडी डन विद माय स्किन केयर, जिसकी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है देन डेफिनेटली डू चेक इट आउट। ओके, तो स्किन केयर के बाद सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर का। मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने लिया था प्राइमार्क से। अगर आप इंडिया में हो तो आप ये नायका वाला प्रेप मी अप भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये डेली यूज़ के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतनी सी अमाउंट मेरे पूरे फेस के लिए इनफ होती है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन की फिट मी कंसीलर। ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड आई नो गाइज, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें से वीगन नहीं होंगे, सो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जब मैंने ये ख़रीदे थे तब मैं वीगन नहीं थी। अभी अभी मैं वीगन बनी हूँ, लाइक 2 महीने हुए हैं मुझे, तो मैं इसको वेस्ट तो नहीं कर सकती। ऑब्वियसली मेरे पैसे लगे हैं, इसीलिए मैं इसको ख़त्म तो करूँगी ही, पर जो अब मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ तो मैं वो वीगन ही ले रही हूँ। पहले ही मैं आपको एक क्लियरेंस दे देती हूँ। ओके, सो बेस हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। उसके बाद मैं लगाती हूँ ब्लश। मेरे पास है ये शी ग्लैम का ब्लश, जो बहुत ही नेचुरल शेड देता है। अगर ये आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये के बाय कटरीना का ये ब्लश है, ये बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी है। मैं आज ये यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और मुझे सिर्फ नेचुरल लुक चाहिए। मैं इसको बहुत ही लाइट 3 डॉट्स लगाऊँगी इधर, एक इधर, और इसी को ही मैं अपनी आईज़ पे भी लगा लेती हूँ और एक डॉट इधर। बस देख रहे हो कितना प्यारा सा न्यूडिश सा शेड है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही नेचुरल लुक देता है, लाइक बहुत सिंपल सा सटल लुक। ओके गाइस, ब्लशर भी हमारा लग चुका है। हमें एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर क्रीम ही लगाना है, पाउडर के ऊपर पाउडर ही लगाना है। अब हम यूज़ करने वाले हैं पाउडर। तो मैं अपना फेस जो है जॉनसन्स बेबी पाउडर से सेट करती हूँ, पता नहीं क्यों, बट हाँ ये मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा हैंड पे लेके फिर हमें लेना है ब्रश, और जहाँ जहाँ से आपकी स्किन ऑयली है आप वहाँ वहाँ से बेक कर सकते हो, नहीं तो पूरे फेस को भी कर सकते हो। मैं पूरे फेस को करती हूँ क्योंकि एक टाइम पे आँखें मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली स्किन लगने लग जाती है। ओके, सो फॉर पाउडर ब्लश आई एम यूजिंग दिस शुगर की पैलेट, जिसमें आपको ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोर भी मिलता है। इसका ये पाउडर ब्लश लेंगे और ये बहुत ही लाइक बहुत न्यूड सा शेड आता है इसका। बिल्कुल नहीं लगता कि आपने कुछ ओवर किया हुआ है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इसका शेड। इसमें शेड नंबर है, गेस नहीं लिखा होगा, या एक ही पैलेट आती है इसकी, आई डोंट नो। देखो कितना नेचुरल लग रहा है, इससे कुछ भी ओवर नहीं लग रहा। अब मेन आती है आईब्रो। मेरी आईब्रो में कट है तो ये मुझे टाइम लेके करना पड़ता है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की पैलेट। कि इसमें आपको एक मिरर भी मिल जाता है और छोटा सा ब्रश भी। ये मुझे इसी में देख के करना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है मुझे करने में। उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा, और मैं अपनी पहले आईलैश को कर्ल करूँगी। मेरी आईलैशेस ना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और लाइक हैवी हैं, तो मुझे बाहर से करवाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइक मैंने अभी तक एक बार भी नहीं करवाई है। एंड गाइज, मुझे लाइनर लगाना नहीं आता है, तो मैं डेली रूटीन में वैसे भी नहीं लगाती हूँ।
क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए, एक आँख में लग जाता है दूसरे में नहीं लगता। सो फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस एल्फ लैश इट आउट, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, ये मैंने अभी अभी रिसेंटली ख़रीदा है बिकॉज इट्स वीगन। खुल क्यों नहीं रहा, नो डाउट गाइज बहुत अच्छा है ये, सिर्फ एक ही लेयर में मेरी इसने आईलैशेस को पूरा अच्छे से कर्ल भी कर दिया है और मस्कारा कितना लाइक डिफरेंस देख रहे हो, सिर्फ अभी मैंने एक कोट लगाया है, बहुत अच्छा है। आई थिंक एक ही कोट इनफ है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी आईज़ कितनी अच्छी लग रही है, लव इट। ओके गाइज अब हम लगाएंगे हाइलाइटर सेम शुगर की पैलेट से, कोई भी लगा सकते हो आप वैसे जो आपके पास हो। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं सेटिंग स्प्रे, मैं ये स्टे चार्म का यूज़ करने वाली हूँ, ये यहाँ मिनिसो से मैं लेके आई थी, आई डोंट नो ये इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं, बट आप शुगर का यूज़ कर सकते हो उसकी जगह, पहले मैं ये यूज़ करती थी, ये बहुत अच्छा है। ओके सो लास्ट स्टेप लिपस्टिक, मैं दो लिपस्टिक को मिक्स करके लगाती हूँ हमेशा, ये दोनों ही मेबलिन की है, एक का शेड है 15 लवर एंड सेकेंड का है 65 सीडक्ट्रेस, सो ये वाला तो मेरा फेवरेट है, ये 65 सीडक्ट्रेस वाला बहुत ही न्यूड सा है, बट मेरी स्किन टोन पे ना कुछ ज़्यादा ही ऐसे न्यूड न्यूड सा लगता है, तो मैं मिक्स करके लगाती हूँ पिंक के साथ। मेरे पास लिप लाइनर भी था बट वो इंडिया ही रह गया, एंड मुझे ना अपने लिप्स को थोड़ा सा ओवरलाइन करना पसंद है बिकॉज मेरा जो ये नीचे वाला लिप है ये ऊपर वाले से थोड़ा बड़ा है, इसीलिए। तो ये जो ये वाली लिपस्टिक है मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क लगती है एंड ये वाली बहुत ज़्यादा लाइट लगती है, तो मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ सो दैट ये थोड़ा परफेक्ट लुक लगे। सिर्फ हल्का सा Okay, so that's it for today's video. I'll see you next time. Bye.